कैसे फ्रांस की सोसाइटी बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में बटी हुई थी। ओके, आई ना अलग अलग ना, जो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थे, थर्ड स्टेट में फार्मर्स, आर्टिशियन, लॉयर्स, मर्चेंट्स, ये सब आते थे। तो इन फर्स्ट और सेकंड में जो स्टेट था उनको प्रिविलेजेस दे रखे थे, टैक्स में छूट दे रखी थी। ओके, इसके साथ साथ रही सही का सर, वहाँ के जो किंग थे लुई 16, उन्होंने कर दी थी, मीन्स वो वॉल डर रहे थे, फिर उन्होंने जो वहाँ का पैलेस था वर्साइल, उसके लिए कर्जा ले रखा था, जिसकी वजह से मतलब फ्रांस एक तरीके से उनकी इकोनॉमी गिरती जा रही थी। अब इकोनॉमी गिरती जा रही थी तो उसको सही करने के लिए वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया था, उन्होंने लिया था कि हम टैक्स को बढ़ा देंगे, और टैक्स का सारा बोझ किसके ऊपर था, थर्ड स्टेट के ऊपर। ओके, अब जिसकी वजह से वहाँ के जब राजा ने टैक्स को जब इंक्रीमेंट करना पड़ा था, तो इंक्रीमेंट सिर्फ राजा नहीं कर सकता, अकेला भले ही वो मोनार्च था, मतलब मोनार्की थी वहाँ पे, मतलब राजा का फैसला आखिरी फैसला होता था, पर लेकिन वहाँ पर कुछ नियम था कि अगर आपको टैक्स में इंक्रीमेंट करना होगा तो आपको स्टेट जनरल की मीटिंग, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ओके, और इन स्टेट जनरल मीटिंग में तीन रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इन तीनों स्टेट के, फर्स्ट स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। ओके, लास्ट टाइम जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो हुई थी इन द ईयर 1614 में। ओके, स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाने का पावर सिर्फ राजा के हाथ में होता है ना, तो ऑब्वियसली बात है वो इन डिसीजंस को लेने, जब भी उसको टैक्स इंक्रीमेंट करवाना होगा तो अकेला नहीं करा सकता, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवानी पड़ती थी, इसकी वजह से ये पावर्स राजा के पास थे। ओके, तो उन्होंने ये मीटिंग 5 मई 1789 को वर्साइल में बुलाई थी, वर्सायल जो उनका पैलेस था, ओके, उसके हॉल में ये मीटिंग बुलाई थी। ओके, अब इसमें आप जानिए कि इन स्टेट से कितने कितने मेंबर हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेट यानी कि जो चर्च के क्लर्जी, जो इन स्टेट के जो पीपल थे उसके 300 मेंबर होते थे, सेकंड स्टेट यानी नोबिलिटी के 300 मेंबर्स, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स। अब इसमें भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ही होता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट आमने सामने बैठते थे, और थर्ड स्टेट के पीपल्स को इनफैक्ट बैठने तक की जगह नहीं देते थे, वो सिर्फ वहाँ पे गैदर होते थे, खड़े रहते थे, और सबसे पीछे खड़े रहते थे, आफ्टर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड देन द थर्ड स्टेट। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज की जो उस असेंबली, स्टेट जनरल की असेंबली है, वहां पे ना फार्मर्स अलाउड थे ना, मतलब थर्ड स्टेट में जो मेंबर, जो 600 मेंबर्स उन्होंने डिसाइड किए थे, बेसिकली मर्चेंट्स थे, बड़े बड़े लॉयर्स थे, है ना, बिजनेस पर्सन थे, वो लोग ही उसमें हिस्सा ले सकते हैं। फार्मर्स और वुमेंस इनको अलाउड नहीं था, आर्टिशियंस, वुमेंस, लेडीज, आर्टिशियन यानी से कारपेंटर हो गया, कोई पॉटर हो गया, इनको अलाउड नहीं था, फार्मर्स को उस असेंबली को अटेंड करने का हक नहीं था। ओके, अब उस समय क्या हुआ कि थर्ड स्टेट के पीपल्स जो थे उस असेंबली में, वो 40,000 वर्ड्स का अपना एक डॉक्यूमेंट्स बना के लाए, जिसमें उनकी मांगे थी, जो कि राजा ने, जो लुई 16 थे, उसको देख उस पर ध्यान भी नहीं दिया, उसको देखकर खारिज कर दिया कि हम आपकी ये मांगे पूरी नहीं करें। अब बात आती है वहाँ की कि अब हमें टैक्स को इंक्रीमेंट, मतलब टैक्स इंक्रीमेंट करना था, तो उसको वहाँ पर क्या वोटिंग सिस्टम क्या होता था कि भले 300 मेंबर हो, वो लोग एक वहाँ उस एक स्टेट के वो लेके वोट कर सकता हूँ, 300 मेंबर आपस में मिलकर एक वोट देंगे कि राजा के पक्ष में कि मैं टैक्स बढ़ा सकता हूँ या नहीं। अब तीन स्टेट थे, राजा को कितने वोट चाहिए थे, 2 वोट्स, जो कि बहुत आसानी से मिल जाते, क्योंकि जो क्लर्जी थे, नोबिलिटी थे, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलती थी। ओके, ना उनको टैक्स पे करना पड़ता था, उनको कोई मतलब ही नहीं, अगर आपको टैक्स इंक्रीमेंट करना है कर दीजिए, तो राजा को बहुत इजीली ये पता था कि मुझे 2 वोट इजीली मिल जाएंगे। ओके, और ये बात कहना कि थर्ड स्टेट वालों को पता थी कि नोबिलिटी और क्लर्जी आसानी से वोट देंगे राजा के हाथ में। ओके, एक स्टेट केवल एक वोट कर सकता था, बट लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने इस तरीके को नहीं माना, उनका ये मानना था कि हर एक मेंबर्स को, है ना, क्लर्जी मतलब फर्स्ट स्टेट का मेंबर हुए, सेकंड स्टेट का मेंबर है, थर्ड स्टेट का मेंबर, वो सबको, जितने मेंबर्स हैं उस असेंबली में, उन सबको पूरा हक होना चाहिए, फिर उन सबके इंडिविजुअल वोटिंग होनी चाहिए कि टैक्स इंक्रीमेंट कराए या नहीं। ओके, तो राजा का ये था कि 1 स्टेट 1 वोट पर, लेकिन जो वहाँ के जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनका ये, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। पहले क्या चलता था, एक स्टेट एक वोट, बस एक स्टेट से कोई एक वोट आएगा, मतलब उनका मिलजुल के एक वोट
वोट आएगा, पर लेकिन हम जो थर्ड स्टेट की मांग ये थी कि एक मेंबर इज इक्वल्स टू वन वोट। अब राजा ने इस बात को भी मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो भी हमारा पुराना सिस्टम है वही चलता रहेगा। और इसी चीज जब उनकी बातें नहीं मानी गई तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने असेंबली को बॉयकॉट कर दिया और बाहर आके प्रोटेस्ट करने लगे। ओके, अब ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 5th of May को हुआ था। ओके, 1789। ओके, उसके बाद 20th June को ये फिर इकट्ठा हुआ। इस दौरान इनके प्रोटेस्ट चलते रहे, बट 20th June को ये फिर इकट्ठा हुए। और थर्ड स्टेज के पीपल इकट्ठा कहाँ हुए, वर्साइल के जो इंडोर टेनिस कोर्ट बना हुआ था, वर्साइल ने एक इंडोर टेनिस कोर्ट बना हुआ था, वहाँ उस स्टेडियम जाके इकट्ठा हुए और वहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी से ही नेशनल असेंबली घोषित कर दी। स्टेट जनरल असेंबली जो कि राजा ने बनाई थी, नेशनल असेंबली जो इन्होंने खुद इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कि नेशनल असेंबली इम्प्लीमेंट हो, तो उन्होंने वहाँ पर इकट्ठा होकर वहाँ पर उन्होंने अपने आप को एज ए नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे। और उसमें उनका जो मोटिव था कि हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, तो उसमें क्या था कि राजा की जो पावर्स है उसको लिमिटेड करना। ओके, और एक टाइप में धरना दे दिया। ओके, कि जिसमें जब तक वो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक वो वहाँ से उस इंडोर स्टेडियम कोर्ट, टेनिस के इंडोर स्टेडियम कोर्ट से वो खेलेंगे नहीं। अब इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले कौन थे, मीराबेरू एम अबे सियास। ओके, मीराबेरू जो कि थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, पर लेकिन वो अगेंस्ट थे ये जो सिस्टम बना रखा था कि जो प्रिविलेज देना क्लर्जीज को, नोबिलिटी को ये प्रिविलेज देना, इसके वो अगेंस्ट थे। ओके, और जो अबे सियास थे वो जो थे वो एक प्रीस्ट थे, मीन्स चर्च के प्रीस्ट थे, और वो भी इनके इस सिस्टम के अगेंस्ट थे। ओके, मीराबेरू जो थे वो तो खैर नोबल्स और क्लर्जी जो थे उनको प्रिविलेज मिलते उनके अगेंस्ट थे, के साथ साथ जो मीराबेरू काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर थे या फिर उनकी जो स्पीचेस थी वो काफ़ी दमदार हुआ करती, काफ़ी पावरफुल होती थी, काफ़ी इम्पैक्टफुल हुआ करती थी। इसके साथ साथ अबे सियास ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने थर्ड स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स थी, जो उन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जो राजा की तानाशाही की वजह से जो टैक्स उन्हें पे करना पड़ता था या क्लर्जी और नोबिलिटी जो प्रिविलेज मिलते थे उनके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट्स। उसमें ये हाईलाइट किया था कि थर्ड स्टेट्स कैसे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रही। ओके, और यही सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, और जो हमने फर्स्ट लेक्चर के दिन पढ़ा था कि 14th of July को 1789 में फ्रांस के पीपल इकट्ठा हुआ, उन्होंने बैस्टिल की जेल को तोड़ा, और एक तरीके से बैस्टिल राजा को पावरफुल शो करता था और बैस्टिल तोड़ने का इंटेंशन ये था। यहाँ पर वहाँ के पीपल्स ने यह जताया था कि अब वहाँ की जनता पावरफुल है ना कि वहाँ का राजा। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होगी ये जो अभी तक हमने कहानी पढ़ी, हमने 14th of July 1789 से पहले तक के सारे इंसिडेंट पढ़ लिए, क्या क्या चेंजेस आए, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इकोनॉमी की गिरती गई, ब्रेड के भाव कम होते गए, सॉरी ब्रेड के भाव बढ़ते गए, बहुत बढ़ते गए, है ना, इसके साथ साथ फसल खराब हो गई, वहाँ पे खाने की कमी होने लग गई, तो कहीं ना कहीं ये सारे सर्कमस्टांसेस थे, टैक्स इंक्रीमेंट, और फिर वहाँ के पीपल्स को समझ में आ गया था कि जो थर्ड स्टेट सेकेंड स्टेट इनको प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, थर्ड स्टेट्स की हालत खराब होती जा रही थी, तो ये सब इकट्ठा हुए और इन्होंने राजा के अगेंस्ट बगावत। ओके, अब जो हम कहानी पढ़ेंगे 14th of July 1789 के बाद की, कि वहां पर अब क्या क्या चेंजेस होने वाले थे। ओके, अब इसी दौरान 14th of July 1789 के दौरान जब वहां के पीपल जब इकट्ठा हुए, बेसिकली थर्ड स्टेट के पीपल इकट्ठा हुए, जेल तोड़ी, तो उसी दौरान किसी ने यह अफवाह फैला दी कि जो नोबिलिटी है इस चीज का, जो नोबल क्लास है ना, सेकेंड स्टेट के जो पीपल्स हैं वो इस चीज का बदला लेना चाहते हैं, और उन्होंने हमने कुछ इंसान भेजे हैं थर्ड स्टेट के फार्मर्स के खेतों को बर्बाद करने के लिए। अब ये जब अफवाह फैली तो थर्ड स्टेट्स ने इसके अगेंस्ट कार्रवाई करी, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या करा कि जो नोबल जो सेकंड स्टेट के जो पीपल्स थे उनके घरों पर हमला कर दिया, क्योंकि उनके घरों से जितना भी सामान था, पैसा था, उन सबको लूट लिया, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे नोबिलिटी नोबल क्लास के सेकेंड स्टेट्स के उनको जला दिया, पूरी तरीके से खराब कर दिया। ओके, और इस दौरान थर्ड स्टेट के पीपल ने घर काफ़ी सारे नोबल पीपल्स को शायद मारा भी। ओके,
और एज ए रिजल्ट जो नोबल्स, और इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो सेकंड स्टेट के पीपल्स से उनका इतना डर बैठ गया, बहुत ज़्यादा डर गए वो थर्ड स्टेट के पीपल से कि ये तो हमारे घरों में घुस गए, हमारे घरों में आ गए, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए, हमारे हमारे जो पैसा था वो लूट के चले गए। तो कुछ नोबल पीपल्स छोड़ के, फ्रांस को छोड़ के कहीं और जाके सेटल हो गए, ओके, देश छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर इस टाइम पे थर्ड स्टेट जो है वो गवर्नमेंट की और हावी होती गई। पहला इंसिडेंट क्या हुआ, उन्होंने बेस्टिल जो जेल थी वहाँ की उसको तोड़ दिया, राजा को पावरफुल जो पावरलेस बता दिया, क्योंकि साथ साथ वहाँ के सेकेंड स्टेट की पीपल पर भी हावी हो गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड स्टेट हावी हो गई और गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होने लगी। अरे एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कोई लुई 16 को ये समझ में आ गया, अगर अभी भी अगर मैंने सरेंडर नहीं किया इनके सामने तो हो सकता है ये मुझ पर भी हावी हो जाए, मुझे भी मार दे। एज ए रिजल्ट यहाँ पर किंग लुई 16 ने थर्ड स्टेट के पीपल के सामने घुटने टेक दिए। तो इसके बाद वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर जो मोनार्की थी वो पूरी तरह से खत्म हुई और वहाँ पर अब कौन सी मोनार्की स्टार्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोनार्की में क्या होता है, जो फाइनल जो डिसीजन लेना होता है वो राजा ही लेता है, वो अपने हिसाब से स्टेट असेंबली में उसको पता था कि मैं जो क्लर्जी है नॉबिलिटी है मैं इनको प्रिविलेज दूंगा तो ये मुझे ऑब्वियसली बात है मेरी तरफ ही वोट करेंगे। तो इसने सब एक मोनार्की में वो होता है कि वो सुप्रीम लीडर होता है राजा, तो वो कुछ भी करवा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची में क्या होता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, रहेगा वो ही राजा नहीं पर, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेप्स बताए गए उसी तरह से चल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं चल सकता। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था 14 अगस्त 1789 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स डिक्लेयर किए थे मिडनाइट, ओके। तब उसमें क्या किया था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जितने प्रिविलेज थे कि टैक्स नहीं पे करने की छूट मिल रही थी, लैंड की जो उनको दे रखा था, ये सब कुछ इनसे छीन लिया गया, मतलब कि आप टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जितने भी चर्च के पास जितनी भी जमीन थी ये सब फार्मर्स को बांट दी गई, ओके। क्वीन लुईस की जो पावर थी उसको लिमिटेशन कर दिया, उसको कम कर दिया गया। तो अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई थी कि टेनिस कोर्ट पे इकट्ठा हुआ था, उन्होंने नेशनल असेंबली की गठन करा था या घोषित किया था, तो यहाँ पर भी उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई गई 1791 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से बना दिया गया था और राजा की पावर में लिमिटेशन लगा दिए थे। गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब लेजिस्लेटिव को बहुत सरल भाषा में शायद मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था क्या होता है, बट फिर से समझा रहा हूँ। लेजिस्लेटिव क्या होता है कि यहाँ पर जो रूलर्स होते हैं यहाँ पर वो बेसिकली लॉ बना देते हैं। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ होना, बिल होना, बना देते, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट काम करती है, ओके, वो भी लॉ बनाती, बिल्स बनाती। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। तो इसका काम क्या होता है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि लॉ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ये सब ये ध्यान रखते हैं कि लॉज जो रूल बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं, इसका काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशरी क्या होता है कि कोई लॉ, कोई अगर ऐसा पर्सन जो लॉ तोड़ता है तो वो जुडिशरी का काम होता है कि उसको, उसके लिमिटेशंस उसको रोके और उनको जो एप्रोप्रिएट सजा होती है उसको दे। तो ये हमारा काम कौन करती, कोर्ट करती है, ओके। अब लेकिन भले ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर हो गई, ओके, यहाँ पर राजा को पूरी तरीके से डिथ्रोन कर दिया, उसके पावर्स को कम कर दिया गया, ओके, पर लेकिन यहाँ पर भी फ्रांस में कुछ डिविजन्स थे, ओके। भले ही उन्होंने वो कर दिया पर लेकिन यहाँ पर वोटिंग करने के कुछ अलग अलग नियम थे, ओके, आए जानते हैं, ओके। फ्रांस की पॉपुलेशन हमने पढ़ी थी 28 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 करोड़, ओके, ये फ्रांस की उस समय की पॉपुलेशन थी। एट प्रेजेंट हम कहाँ बात कर रहे हैं, 1791 की, ओके, इस दौरान फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन थी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और लेकिन उसमें से केवल 4 मिलियन पीपल्स आउट ऑफ 28 मिलियन पीपल्स, ओनली 4 मिलियन पीपल्स कैन वोट, ओके। अब ये 4 मिलियन पीपल्स कौन होते हैं ये हम थोड़े बाद में जानेंगे, और इन 4 मिलियन पीपल्स क्या करते थे ये इसके बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले अपना एक जज चुनते थे, इसके अलावा 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे, ये 4 मिलियन पीपल्स से चुनते थे 50,000 इलेक्टर्स। वो 50,000 पीपल इलेक्टर्स कौन इलेक्ट कौन करते थे आपस में, 745 नेशनल असेंबली के मेम्बर्स, ओके, फिर से बता रहा हूँ,
वो मिलियन पीपल एक जज को इलेक्ट करते थे, फिर इसके साथ साथ अपने साथ अपने ही में से 50,000 इलेक्टर्स इलेक्ट करते थे। इन इलेक्टर्स में से ये लोग आपस में 745 अपने नेशनल असेंबली के लीडर्स या मेंबर्स इलेक्ट करते थे। अब ये 475 मेंबर जो नेशनल असेंबली के हैं, इनका काम क्या होता था, ये राजा को कंट्रोल करते थे एज वेल एज द मिनिस्टर को कंट्रोल करते थे। ओके, राजा को कंट्रोल कौन करते थे, ये 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के। ओके, अब जो राजा के पास जो पावर बची थी ना, वो सिर्फ एक ही पावर बची थी जिसको कि हम बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर ये होता है कि लास्ट डिसीजन अगर राजा की मर्जी के बिना कोई डिसीजन नहीं लेगा, मतलब कि 745 नेशनल असेंबली के मेंबर डिसीजन डायरेक्टली नहीं ले सकते, उनको राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। उनको ये भले वो कंट्रोल करते हो पर लेकिन फाइनल जो परमिशन होगा वो राजा ही देगा। वीटो पावर उसके पास, इतना वीटो पावर उसके पास थी कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो राजा ही देगा। इसके साथ साथ नेशनल असेंबली के जितने भी मिनिस्टर्स सॉरी जितने भी उस राजा के जो अदर मिनिस्टर थे उसको भी कौन कंट्रोल करता था, नेशनल असेंबली। ओके ओके, तो ये यहाँ पर हमने ये जानना कि 4 मिलियन पीपल्स कैसे कैसे ये लोग अपने लीडर्स को चुनते थे, अपने इलेक्टर्स के नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। ओके, अब इन नेशनल असेंबली जो 4 मिलियन पीपल्स थे, तो इनको इनका क्या क्राइटेरिया था कि यही लोग राजा को चुन सकते थे। पर लेकिन अभी हम ये जानेंगे 4 मिलियन पीपल्स इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली के लीडर्स को चुनते थे। ओके, एक तरीके से मतलब ये क्योंकि वो 50,000 इलेक्टर्स फिर बाद में लास्ट ईयर 745 नेशनल असेंबली के पीपल्स बनते थे। अब 4 मिलियन पीपल्स का क्राइटेरिया क्या था ये जान लेते हैं। ओके, तो जो 4 मिलियन पीपल्स थे उनको वो लोग एक्टिव सिटीजन बोलते थे, और जो नॉन वोटर्स थे मतलब 4 मिलियन पीपल्स वोट दे सकते थे तो इनको हम एक्टिव सिटीजन के नाम से जानेंगे, और जो वोट नहीं दे पाते थे उनको पैसिव सिटीजन के नाम से जानेंगे। अब ये 4 मिलियन एक्टिव या फिर हम आप बोले एक्टिव वोटर्स या एक्टिव सिटीजन जो 4 मिलियन थे, उनका क्राइटेरिया क्या था, सबसे पहले उनकी एज 25 प्लस होना चाहिए, उनका जेंडर मेल होना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा केपेबल पर्सन, वही केपेबल पर्सन जो कि 3 दिन की लेबर की वेजेस पे कर सके। ओके, फिर से जान लीजिए, सबसे पहला उसका जेंडर क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए, उसकी एज 25 प्लस होनी चाहिए, 25 साल या 25 साल से ऊपर। इसके साथ साथ इतना सक्षम होना चाहिए कि वो जो इतना टैक्स पे कर सके कि 3 दिन की मजदूर की जो वेज होती है ना, 3 दिन की तिहाड़ी होती है जो रोज का उसका 3 दिन की तिहाड़ी होती है, उतना वो पे कर सके। ओके, तब जाके वो 4 मिलियन मेंबर्स या जो 4 मिलियन पीपल जो है उसमें वो काउंट होगा। ओके, मतलब कि हर कोई वोट नहीं, मतलब इसमें जो फीमेल्स थी वो वोट नहीं कर सकते, केवल मेल्स वोट कर सकते हैं, उसमें भी एज होनी चाहिए 25, और सक्षम पर्सन जो कि 3 दिन की मजदूर की तिहाड़ी जितना टैक्स पे कर सके। ओके, अब इसमें एक और चीज होती थी बेसिकली, जो हमने आप मैं आपको बताया कि 745 नेशनल असेंबली लीडर्स आफ्टर 50,000 इलेक्टर्स में थे, 4 मिलियन से 50,000 से 745 नेशनल असेंबली मेंबर्स, इसमें भी यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया था कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा वही इन 745 नेशनल असेंबली मेंबर्स इलेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर एक और क्राइटेरिया था कि केवल वही पर्सन जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे वही नेशनल असेंबली के मेंबर्स बन सकते थे। तो भले ही हम यहाँ पे बात करें कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हासिल कर ली थी, पर लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी खामियां थी। केवल मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करें तो हर पीपल्स को अपने राइट्स होने चाहिए, पर लेकिन यहाँ पे भी वो राइट्स बटे हुए थे, केवल जो कमा सकता था, जिसके जेंडर मेल हो, जिसकी एज 25 प्लस हो, केवल वही गवर्नमेंट फॉर्म करवाने में हेल्प करता था। ओके, मीन्स एक तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करवाना ही होता है। ओके, और उसमें भी इन्होंने जो बेसिक चीज़ बनाई थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उन्होंने जो रहता है जिसको कि हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीवन इज इक्वल, ये सारी बातें उसमें इंक्लूडेड थी। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।